एक्सरसाइज 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे फर्स्ट एक्सरसाइज ऑब्जर्व करो। थ्योरी इसका डिस्कस हुआ था। क्वेश्चन नंबर वन में दो इवेंट हैं ई और एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट एफ 0.3, और फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड ई इंटरसेक्शन सेकेंड का प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.2 है। तो रिक्वायर्ड क्या है, क्या हमें इवेल्युएट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू ई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज गिवन और ई और एफ का प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन में ये हमेशा फार्मूला फॉर्मेट पे रखा करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इवेंट जो दिया होगा क्वेश्चन में उसको कंसीडर करेंगे आप, फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड में जो भी सिंबल आएगा क्वेश्चन में उसको यूज करिएगा आप, लेकिन फार्मूले को इस पैटर्न पे सेट करो कि पहला इवेंट है दूसरा इवेंट है, तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी अगर सेकेंड के रेस्पेक्ट में या सेकेंड के सापेक्ष इवेल्युएट करना है तो पहला आएगा न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड, जो कंडीशनल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखो। तो यहां पे फर्स्ट हमें इवेल्युएट करना है, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू एफ। तो फर्स्ट दोनों इवेंट स्पेसिफाइड है, तो पहले आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, और कंडीशन किस पे कौन लगा रहा है, कंडीशन कंडीशन जो है वो एफ अप्लाई कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से आप डिवाइड करेंगे। Divided by probability of f. अब दोनों probability given है, probability of first intersection second is 0.2 and probability of f is 0.3. तो दोनों में decimal वन place पे है, तो decimal replace कर देंगे आप, तो ये probability आ जाएगा 2/3। अब इसके second part में इसी इवेंट को इंटरचेंज कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू ई, इसीलिए आप ये फार्मूले को हमेशा रखा करो दिमाग में, फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड, न्यूमरेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड और डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड का सिंबल जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड फर्स्ट इवेंट अपॉन सेकेंड इवेंट कौन सा है ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिवाइड करोगे। ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी हम लोग इवेल्युएट किए हैं, ये है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू दिया है 0.6, तो वन प्लेस पे डेसिमल है, इसको हटा दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, और दोनों में वन प्लेस पे डेसिमल, दोनों इवन नंबर है 2 और 6, तो कैंसिल होके आ जाएगा 1/3, दैट्स ऑल।